सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं दीपान्विता आज फिर से एक राइस की प्रिपरेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है सॉसेज राइस। इसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे चिकन सॉसेस, और मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉन्स यूज़ किए हैं, ये ऑप्शनल है, और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो सॉसेजेस और प्रॉन्स दोनों ही फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने निकाल लूँगी एक प्लेट में। मैंने यहाँ पे मसाला सॉसेजेस यूज़ किए हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेम ऑयल में डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1 छोटी चम्मच शाहजीरा, 1 छोटी इलायची, 3 से 4 लवंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कटा हुआ, इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे 2 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे 1 छोटा आलू बारीक कटा हुआ। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं और अपने मनपसंद वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीन्स और आलू, प्याज और शिमला मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, मटर, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने डाल दिया बीन्स और इन तीनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे 3 हरी मिर्च और इन्हें फिर से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे शिमला मिर्च और इन्हें भी 1 मिनट के लिए फ्राई, 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए। अब डाल देंगे सॉसेजेस और प्रॉन्स, आप सॉसेजेस के जगह पे चिकन भी डाल सकते हैं और स्क्रैम्बल्ड एग भी डाल सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर डाल सकते हैं या फिर सोयाबीन डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, मैंने आपको जस्ट तरीका दिखा दिया है। तो आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब बारी है चावल डालने के। आप इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दिखने में कलरफुल लग रहा है ना, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा घी
और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी देने से थोड़ा सा मीठा होता है और मिर्ची की वजह से थोड़ा सा तीखा, नमकीन, इन तीनों फ्लेवर से ये राइस बनता है।